जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फंड इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी के मिड टर्म एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग तो ध्यान दीजिएगा, ये मिड टर्म एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसी प्रकार से हर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आते हैं। यदि आप 2023 में अपना क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, ठीक है, यानी अपना पेपर दे रहे हैं मिड टर्म एग्जाम का, तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में भी बताऊंगा। इसका मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा, वीडियो के बीच में बता दूंगा कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो आप लोग तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले बेसिक नॉलेज देख लीजिए। इसका टाइम जो होता है आपका एक घंटे का होता है, 9 से 10, या फिर शाम को होता है। मैक्सिमम बात की मार्क की बात की है तो 30 नंबर या फिर 20 नंबर का होता है, कहीं पर 20 कहीं पर 30 का होता है। तो आप लोग अपने कॉलेज पर मालूम कर लीजिएगा कितने नंबर का होता है। इसके बाद डे की मैं बात करूँ तो डेट की इसकी मैं बात नहीं कर रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट कोड की मैं बात करूँ तो GPB 11 है। ठीक है, और इसमें देख लीजिए, इसमें दिया गया है आपका इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी का है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी के मिड टर्म एग्ज़ाम है। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए क्वेश्चन पेपर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन पेपर आपके आते हैं इंग्लिश में आते हैं, जो यूनिवर्सिटी होती है इंग्लिश में कराती है, जो आपके कॉलेज होते हैं, जो आपके प्राइवेट कॉलेज होते हैं, वो हिंदी में ही करा देते हैं बिना पेपर दिए। यानी कि आपके मुँह से क्वेश्चन बोल देते हैं, आप लोगों को उतार देना होता है, उसके बाद अपना आंसर देना होता है। इसके बाद देख लीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट नंबर पर आपका आता है चॉइस द मोस्ट अप्रोप्राइवेट आंसर बाई इंसिक्लिनिक इट। अब देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, इन जी मेज एल जी रिस्पेरेंट्स। ठीक है, अब मैं आपको बताया, मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सॉल्व अपने खुद कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला आता है सेकेंड नंबर पर आपका, हु हैज़ बीन डिमोस्ट्रेशन दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम फ्रैक्शंस लाइफ। इसका जो आंसर आपका था वो ऑल ऑफ देम, यानी कि आपका इसका आंसर था आपका अल्समेयर ओपरिन लाउसिस पैस्चर। ठीक है, लुइस पैस्चर थे। इसके बाद थर्ड नंबर पर आपका आता है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड्स एर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड्स एर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट नंबर आपका आता है एनालॉजाइज, ठीक है, होमोलॉजस, ठीक है, बोथ एंड ए एंड बी दोनों। इसके बाद नॉन ऑफ दिस, तो राइट आंसर होमोलॉजस था। ठीक है, अगला आपका आता है ए प्लांट विच हैज़ नो पेरियंसड पार्ट अबाउट द ग्राउंड इज सैलेड। इसका राइट आंसर क्या, आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला आता है सेकेंडरी ग्रोथ मोस्टली एबसेंट इन फर्स्ट ऑप्शन मेज, सेकेंड ऑप्शन ग्रीन ग्राम, थर्ड नंबर पर बिन, डी नंबर पर कार्टन। तो राइट आंसर ग्रीन ग्राम। अगला आपका आता है सिक्स नंबर पर, इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटिलेडोनस एक्सालमिनस सीड। ठीक है, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। ठीक है, तो आपको ध्यान दीजिएगा। अगला आपका आता है ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन एर द टू केस कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस। करेक्ट आंसर क्या था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या था, आप लोग सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आता है ICBN डीलिंग विथ बॉटनिकल नेम ऑफ, क्या राइट हो जाएगा आपका, प्लांट्स एनिमल्स फंगी बैक्टीरिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसे लिख लीजिएगा। अगला आता है फूड इज ऑनियन टेक प्लेस इन, क्या राइट आंसर होगा आप लोगों का, रूट ब्रांच स्टेम लीफ। ऑनियन का मतलब क्या होता है, प्याज होता है। इसका भंडारण किसमें किया, मतलब कौन सा पार्ट किया जाता है, स्टेम किया जाता है, या फिर पत्तियाँ की जाती है, ब्रांच की जाती है, या फिर रूट की जाती है। तो इसकी पत्तियाँ की जाती है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन लीफ। अगला 10 नंबर पर आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प सीड फॉर स्पाइजेशन एंड जर्मिनेशन। पहला आपका आता है माइक्रोफिल हिलम, इसके बाद सी नंबर पर रेप, डी नंबर पर नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर रेप, यानी का मतलब इसका होता है मूली। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आपका स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एस ट्रू एस फॉल्स। ट्रू यानी सही और गलत आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसका। अब इसमें दिया गया है रूट इज द डायरेक्ट प्रोलोंगेशन ऑफ
कोमल। बी ऑप्शन, बी आपका सेकंड क्वेश्चन आता है कब का, ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद सी नंबर पर आपका आता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन प्लांट्स इज नाउन एज फाइलोटैक्सी। टी नंबर, चौथे नंबर पर आपका आता है फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट। फाइव नंबर पर आपका आता है एफिमेरल प्लांट कॉम्प्लीट्स देयर लाइफ साइकिल इन ए वेरी शॉर्ट टाइम्स। ठीक है, इस प्रकार से बेसिक बेसिक चीज़ें दी गई हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर लूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला दिया गया आप लोगों का डिफाइन एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स एनी टेन। ठीक है, इसमें दिया गया आप लोगों को मिलाना है, मैचिंग करना है। ठीक है, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा। काउडेक्स ग्रोथ होमोलोजस हैबिट प्लांट्स बर्ड। बर्ड का मतलब कलिका, प्लांट्स का मतलब पौधा होता है, हैबिट का मतलब आचर, होमोलोजस का मतलब होता है ग्रोथ का मतलब वृद्धि होता है, काउडेक्स का मतलब नहीं पता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का दिया गया है, आप लोगों को मैचिंग करना है। अगला आपका आता है डिफरेंट द फॉलोइंग्स एनी फाइव, यानी किन्हीं पांच के आप लोगों को अंतर देना है। एग्जांपल रूट एंड सूट, रूट क्या है, सूट क्या है, इसमें डिफरेंट बताना है। मोनोकोट लीव एंड डाइकोट लीव में अंतर बताना है, या फिर इफी कोटिल या फिर हाइपोकोटिल में डिफरेंस बताना है। ठीक है, इस प्रकार से अगला आता है आपका फाइव नंबर पर, गिव ब्रीफ आंसर फॉर द फॉलोइंग्स एनी थ्री, यानी चार में से आप लोगों को तीन का देना है। पहला आपका आता है बैडली डिस्क्राइब द टैप रूट मॉडिफिकेशंस। बी नंबर पर इनलेस टाइप्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशंस। सी नंबर पर आपका आता है ब्रीफली डिस्क्राइब्स साइमस ब्रांचेस। डी नंबर पर आपका आता है डिस्क्राइब्स अल्टरनेट लीफ फाइलोटैक्सी। ठीक है, सिक्स नंबर पर क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द फॉलोइंग्स अलोंग विथ डायग्राम एनी ऑफ वन। इन टू का दिया, जो कि दिया गया आप लोगों का, इसमें से केवल एक का आप लोगों को डायग्राम बनाना है। फर्स्ट नंबर पर आपका आता है कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ। ठीक है, इसका बताना है, बनाना है। इसके बाद पार्ट ऑफ लीफ, ठीक है, पत्तियों की कौन कौन से मतलब पार्ट होते हैं। ठीक है, उसका आप लोगों को चित्र बनाना है, या फिर आप लोगों को कंपाउंड लीफ का बना देना है। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद लास्ट में आपका होता है बेस्ट ऑफ लक। अब देखिए मीटर के बारे में कुछ जानकारी दे दें आप लोगों को, कि मीटर जो आपका होता है, वो आपका जो आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एक सब्जेक्ट का 100 में से आप लोगों का 30 नंबर जो होता है, यह आपका मीटर एग्ज़ाम का जोड़ा जाता है, ना जोड़ा जाता है। यह टेस्ट नहीं है, बल्कि आपका एक समझ लीजिए आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं मीटर क्वेश्चन पेपर के बारे में ही। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।